हे गाइस, वेलकम इन एजुकेशन कॉम्पिटेंस। गाइस, रियल नंबर का ये हमारा पांचवा लेक्चर है। चार लेक्चर की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां जाइए और वो लेक्चर देखिए। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम रियल नंबर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर है थर्ड, एक्सरसाइज है हमारी 2.1। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेष पर 5 प्राप्त हो। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेष पर 5 प्राप्त होना चाहिए और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है वो, शेषफल जब 5 प्राप्त होता है, यानी प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि 245 और 253 को अगर अभीष्ट संख्या से विभाजित कर दें तो शेषफल 5 प्राप्त होगा। तो यहां पर हम ये बात लिख लेंगे कि दिया है हमें 245 और 2053 को अभीष्ट संख्या से विभाजित करने पर शेष 5 बचता है प्रत्येक स्थिति में, यानी प्रत्येक स्थिति में शेष पर 5 बचता है। तो हम क्या करेंगे, 245 माइनस 5 इजिकल्स टू 240, और इधर कर देंगे 2053 माइनस 5 इजिकल्स टू 2048। अब प्रत्येक स्थिति में जब शेष पर 5 बचेगा तो मैंने क्या 5 इधर से माइनस कर दिया और 5 इधर से माइनस कर दिया। अब अर्थात हम ये बोल सकते हैं 240 और 2048 अभीष्ट संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगे। ये अभीष्ट संख्या से क्या होंगे, पूर्णतः विभाजित होंगे, क्योंकि हमने 5 माइनस कर दिया इसलिए। अच्छा, अब हम क्या है, हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी वो अभीष्ट संख्या ज्ञात करनी है जिससे ये पूर्णतः विभाजित है। हमें वो अभीष्ट संख्या ज्ञात करनी है जिससे प्रत्येक स्थिति में शेष पर 5 प्राप्त हो और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 240 और 2048 के एचसीएफ से, और किससे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहां लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए इजिकल्स टू बी क्यू प्लस आर, और आर कैसा है यहां पर, आर बी से हमेशा छोटा होगा और जीरो से बड़ा या बराबर होगा। चलिए लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहां पर हम लिख देंगे चरण फर्स्ट 2048 इजिकल्स टू 240 इंटू 8। 8 को जब 24 से गुणा करेंगे तो 192, तो 192 यानी कि 1920 शेष पर कितना बच गया, 128 बच गया शेष, यानी आर नॉट इजिकल टू जीरो रहा। ये प्रोसेस अब यहीं पर खत्म नहीं होगी, आगे भी चलेगी। तो चरण लगाएंगे हम कौन सा, सेकेंड, इधर 240 और 128 में, 240 और 128 में जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं तो 128 दूनी 256, लेकिन ये तो 240 है, तो एक बार देंगे शेष कितना बच जाएगा, 112। तो इस स्थिति में भी आर नॉट इजिकल टू जीरो के रहा, तो 128 और 112 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते थे। तो चरण हो गया थर्ड,
128 बड़ा है किससे? 112 से, इंटू एक प्लस कितना बच गया? 16। फिर भी आर नॉट इज इक्वल टू जीरो रहा। तो अब आएगा चरण फोर, 112 बड़ा है 16 से, कितनी बार जाएगा? 16 सत्ते 112 और आर हो गया जीरो। तो अब हम यहां पर देखें अंतिम भाजक क्या है, 16। तो यहां पर ये बात हम लिखेंगे, अतः अंतिम भाजक 16 ही 240 और 2048 का HCF है। तो अब ये है सबसे बड़ी संख्या। इससे अगर हम 2245 और 2053 को विभाजित करेंगे किससे? 16 से। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो यहां पर कह देंगे अतः अभीष्ट संख्या आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जब हम 245 और 2053 को विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचेगा? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन निकल के आता है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 और एक्सरसाइज है 2.1। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त करें तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमें क्या है, 408 और 1032 का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि कह रहा है कि इसको हम एचसीएफ के रूप में व्यक्त करना है तो हमें एचसीएफ तो निकालना पड़ेगा ना। बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 408 और 1032 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 408 और 1032 के एचसीएफ से तो हम क्या कर देंगे, ए इजिकल्स टू मान लेंगे 1032 और बी इजिकल्स टू मान लेंगे 408। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ए इजिकल्स टू होता है बी क्यू प्लस आर, और यहां पर ये जो r है वो b से छोटा रहेगा और 0 के बराबर या बड़ा। ठीक। चलिए सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट यानी चरण एक, स्टेप फर्स्ट हमारी रहेगी 1032 में अगर हम भाग देते हैं 408 का, तो 408 का भाग जाएगा 2 बार। कितने बच गए शेष? देखो 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 और 4 दूनी 8, ये हो गए 816। कितने बच गए? ये बच गए 816, यानी कि यहां पर हमारा बच जाएगा 1032 माइनस 816। ठीक। तो कितना बच गया यहां पर? यहां पर ये 12 में से 6 ये हो गए 2, तो 1, और इधर कितना बच जाएगा? तो 216 हमारा बच गया कितना, शेष पर। ठीक। तो यहां पर आर नॉट इजिकल टू जीरो रहा, तो अब आ जाएगा स्टेप सेकंड, किसमें लगाएंगे? इसमें, और इसमें हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो 408 बड़ा है किससे? 216 से। 216 दूनी के हो रहे हैं 432, यानी कि भाग देना पड़ेगा हमें 1 बार। कितना बच गया शेषफल? हमारे पास शेषफल बच जाएगा हमारे पास कितना, देखिए 408 से अगर हम 216 घटाते हैं तो हमारा बच जाएगा, यानी 192, तो हमारा बच जाएगा 192। तो आर फिर से नॉट इजिकल टू जीरो रहा, यानी ये अभी प्रक्रिया यहां पर खत्म नहीं हो सकती, तो हमारी स्टेप आ जाएगी थर्ड,
216 और 192 में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो 216 बड़ा है 192 से इनटू 1 प्लस कितना बच गया शेष, शेषफल बच गया अब हमारा 24। तो आर हमारा फिर से नॉट इक्वल टू 0 रहा। स्टेप लगाएंगे अब हम कौन सी, 4। तो स्टेप यहां पे लगाते हैं हम कौन सी, 4। एक सौ बानवे और 24, तो 192 बड़ा है किससे, 24 से, 24 अट्ठे 192 प्लस 0, आर इज इक्वल टू आ गया 0। तो अंतिम अगर भाजक देखे हम तो 24 है, तो हम बोल देंगे अतः 24 ही 408 और 1032 का एचसीएफ है। अब इस एचसीएफ को इसके रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब 1032 एक्स माइनस 408 इंटू 5 इज इक्वल टू 24 कर दिया इसके रूप में व्यक्त। इधर 1032 एक्स, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5840 और ये 5 यानी 2000 आ गया, 40 माइनस में है और इधर 24, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1032 एक्स ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2040 प्लस 24। तो फाइनली कितना आ गया, 1032 एक्स इज इक्वल टू 2000 कितने हो गए, ये 64, क्योंकि 24 और 40 64। अब यहां पर हम भाग दे देंगे, x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो 1032 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 2064 में, कितनी आ गई वैल्यू, 2 निकल के आ गई। 1032 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2064। तो x की जो वैल्यू आई कितनी आई, 2। वेरी इजी था। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन निकल के आता है हमारी एक्सरसाइज 2.3 से। हमारा जो एग्जांपल थर्ड है वो है, दर्शाइए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अपर में संख्या है। इससे ये वाला सवाल भी सॉल्व हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपर में संख्या है। देखिए इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि हमें क्या है, परमेय और अपरमेय वाला रूप बनाना होता है, जो कि संभव नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है और हमारा विरोधाभास आ जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 एक परमेय है। अच्छा, ये परमेय है तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम मानेंगे कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बटे क्यू, और क्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के, और पी और क्यू क्या है, पी और क्यू स आवाज है। ओके, अब यहां पर हाँ देखिए, या अंडर रूट 2, अब हम अंडर रूट 5 को उधर ले जाएंगे, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, p अपॉन q माइनस अंडर रूट 5, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस अंडर रूट 5 और इसका हो गया होल स्क्वायर, और इधर भी आ गया स्क्वायर, तो ये बन गया 2, और इधर कितना बन जाएगा, a माइनस b के होल स्क्वायर से इसको खोल लेंगे तो इधर आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस 5 a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस के 2, a कितना है ये p अपॉन q, और b कितना है अंडर रूट।
अब देखिए ये अंडर रूट 5 तो एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको हम एक तरफ ले आएंगे, या इस सबको हम इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 2 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का 5 इजिकल्स टू माइनस 2, और इधर कितना बन गया अंडर रूट 5 पी अपॉन। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां देखिए, अब यहां पर पहले तो इसको जनरली हम यहां घटा लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा इधर, ये घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 3 बच जाएगा, इधर माइनस का 3 बच गया, और इधर आ गया माइनस 2, इधर आ गया अंडर रूट 5 पी अपॉन। ओके, यहां एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे एक, तो ये आ गया कितना माइनस पी स्क्वायर माइनस के 3 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इजिकल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 पी अपॉन क्यू। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस के 3 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और इधर माइनस कॉमन, और इधर माइनस 2 अंडर रूट 5 पी अपॉन क्यू। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर देखिए, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, अब इधर q को इधर ऊपर गुणा कर देंगे, इसका भाग दे देंगे, फाइनली ये क्या बन जाएगी हमारी टर्म बन जाएगी, इसको अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस के 3 क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये बन गया ऊपर बन जाएगा q और नीचे बन जाएगा p, और इधर बन जाएगा अंडर रूट 2 सॉरी 2। तो इधर देखिए, अब ये q से q कैंसिल आउट हो गया, तो और इधर बच गया अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू बन गया ये पी स्क्वायर अपॉन प्लस 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देख सकते हैं कि ये है अंडर रूट 5 और इधर है ये पी स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी, यानी एक तरफ तो बन गया अपर में और एक तरफ बन गया पर में। यहां पर हम बोल देंगे अतः कथन एक, या इस प्रकार से बोलेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक विरोधाभासी है, क्योंकि अंडर रूट 5 अपर में है और ये वाला टर्म पूरा अपर में है, पी स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी पर में है, तो हम बोलेंगे फाइनली कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अपर में है। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। माना अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ये क्या है, परमे मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये परमे है तो पी बटे क्यू के रूप में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये पी और क्यू सहवाज है। फिर हमने क्या कर लिया, इस अंडर रूट 5 को उधर ले गए, इधर पी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया और इधर ए का स्क्वायर बन गया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो फाइनली हमारे पास जो निकल के आया वो आया अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी। तो ये परमे और अपरमे वाला रूप बन गया। तो समीकरण एक है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट है, वो विरोधाभासी है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 5 तो वो है अपरमे और ये है एक परमे, और परमे बराबर अपरमे नहीं हो सकता,
इसलिए ये कथन क्या है, विरोधाभासी है, और हम ये कह देंगे कि जो हमने माना था वो क्या था, गलत था। तो इस प्रकार हम ये सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अगला हमारा जो क्वेश्चन निकल के आता है वो है हमारी विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 196 के आवास गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है 1080, तो उनका हमें एचसीएफ दिया है 30, तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 441/2 × 5/7 × 7/2 का दशमलव प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 196 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इधर कर लेते हैं, 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 98 बार। फिर से 2 का देंगे, कितनी बार गया, इसमें जाएगा 4 और ये 9, 49 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, कितनी का जाएगा, फिर इसमें जाएगा अब 7 का, कितने बार, 7 बार। फिर से जाएगा 7 का 1 बार। तो इसके जो आवाज गुणनखंड आए 196 के कितने आए, 2 की घात 2 × 7 की घात 2। तो क्या कह रहा है उसने, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात करना है। तो इनकी घातों की हम बात करें तो ये है इनकी घात, अभाज्य गुणनखंड ये है और इनकी घात ये है, इनका योगफल हो जाएगा, योगफल 2 + 2 = 4। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। इधर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 1080, उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ तो हमें दिया है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो अब जानते हैं कि ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए इंटू बी हमें दिया हुआ है 1080। ये हमारी अंकगणित की मूलभूत प्रमेय पर आधारित हमने एक फॉर्मूला निकाला था वो है। तो a इंटू बी दिया है हमें 1080 और इधर एचसीएफ दिया है हमें 30 और एलसीएम तो हमें फाइंड ही करना है। भाग देंगे इसका तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो एलसीएम कितना आ गया, 108/3 = 36। बहुत सिंपल सवाल है, इधर देखिए इसमें हमें लगानी है कौन सी थ्योरम, लगानी है हमें 5। अगर कोई परिमेय संख्या है और उसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यहां पर वही चेक करना है, अगर यहां पर हम देखें इसको तो ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ऊपर पहले इसके 441 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 21 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले हम, तो ऊपर लिख देंगे 21 × 21, ये नीचे आ जाएगा 2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 2, इसको हम क्या लिख देंगे 3 की घात 2 × 7 की घात 2 और इधर 2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली बन गया ये 9/2 × 5/7। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या है, यहां क्या देंगे, क्यू के अभाज्य गुणनखंड, दो की घात एन इंटू पांच की घात एम के रूप के हैं। अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। बात क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन निकल के आता है विविध प्रश्नावली से, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है परिमेय संख्या 43/2 × 5/3 के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो सॉल्व करते हैं हम इसको,
फिर में कौन सी लगाएंगे, फिर में लगाएंगे हम सिक्स। तो हमारी फिर में सिक्स क्या कहती है, ये हमारा किसके रूप में लिखा हुआ है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है, और क्यू के अवयव गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। चलो तो हम इसको लिख देंगे 43/2 × 5/3। अब देखिए 2 की घात हमें 3 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 43 × 2 और नीचे बन गया 2 की घात 3 × 5 की घात 3। अब घातांक के नियम से हम इसको कैसे लिख देंगे, ये हो गया 86 और ये हो गया 2 × 5 की घात 3। तो फाइनली ये क्या हो गया, 86/10 की घात 3 यानी कि 86/1000। आराम से भाग देख सकते हैं हम इसमें 0.8086। दशमलव के 3 अंकों के बाद क्या होगा, अंत होगा, तो यहां लिख देंगे आंसर आ जाएगा 3 अंक। था ना इजी। इधर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां। ए तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा ए तथा 18 का एचसीएफ 2 है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो यहां पर ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो यहां पर देखिए ए बी की वैल्यू है 18, एचसीएफ का मान है 2 और एलसीएम का मान है 36। तो यहां पर यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2 × 36/18, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 4। क्लियर। इसको देखिए, इसको हमें सरल करना है, तो सॉल्यूशन सरल करके हमें बताना है कि ये पर में है या अपर में। तो सबसे पहले ऊपर देखिए ये क्या लिख रहा है, तो इसको हम लिख देंगे ऊपर 2 × इसको लिख देंगे अंडर रूट में 9 × 5 प्लस इसको लिख देंगे 4 × 5 और ये भी है अंडर रूट में और नीचे 2 √5। तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये 9 को हम ऐसे लिख देंगे 2 √9/√5 प्लस इसको लिख देंगे 3 √4/√5 अपॉन 2 √5। इसकी वैल्यू आ जाती है 3 और इसकी वैल्यू आ जाती है कितनी, 2। तो फाइनली कितना आ गया, ये बन गया 6√5 और इधर बन गया 6√5 अपॉन 2√5। ऊपर से कॉमन आ गया 6√5 हमने बाहर निकाल लिया, इधर से बच गया 2 और इधर बच गया कितना 2√5। तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 गया और ये 2 से आ गया 3, तो इधर आ गया 6, यानी ये क्या है, परमे। 6 क्या है, परमे संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, परमे संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा जो सवाल है वो है 18, विभेद प्रश्नावली का 18वां जो सवाल है वो क्या कहता है। देखिए एक आयताकार बरामदा जिसकी हमें लंबाई दी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसमें समान भुजाओं वाली वर्गाकार टाइलें लगानी है। तो इस प्रकार की टाइलों की हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब है टाइलें बड़ी से बड़ी आनी चाहिए और बड़ी से बड़ी टाइलों के लिए क्या करेंगे, यानी उसका एचसीएफ निकालेंगे। चलिए यही काम करेंगे हम। तो सॉल्यूशन, तो यहां पर लिख लेंगे हम टाइल की लंबाई, लंबाई कितनी आ जाएगी, इसको चेंज कर लेंगे हम 1872 सेंटीमीटर, 18 मीटर थी तो सेंटीमीटर में हमने इसको चेंज कर लिया और चौड़ाई आ जाएगी कितनी 1320 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि 18 मीटर है तो 18 को 100 से करेंगे तो 1800 और 72 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो 1872 हो गया। इसी प्रकार से यह है 13 मीटर, 13 को 100 से गुणा करेंगे तो 1300 सेंटीमीटर और 20 जोड़ेंगे तो 1320 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यह आ गई सेंटीमीटर में। ठीक, अब
बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, दोनों गुना कर देंगे 1872 × 1320। इसके आवास गुणनखंड क्या आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे 2 की घात 3 × 3 की घात 1 × 5 × 11। ओके, इधर इसके आवास गुणनखंड क्या आ जाएंगे, इसके आवास गुणनखंड आएंगे 2 की घात 4 × 3 की घात 3 × 13। तो ये हो गए इसके आवास गुणनखंड। अब हमें एससीएफ निकालना है, यानी कि 1872 और 1320 का एससीएफ बराबर टाइल की भुजा की लंबाई। इससे हमें टाइल की भुजा की लंबाई पता लग जाएगी, कितनी आ जाएगी। देखिए कॉमन गुणनखंड है ये, तो एससीएफ के लिए न्यूनतम घात लेंगे 2 की घात 3, और इधर इधर 3 भी कॉमन है, तो इसकी न्यूनतम घात आ जाएगी 3 की घात 1, कितना आ जाएगा 8 × 3 = 24 सेमी। तो वर्गाकार जो टाइल है उसकी भुजा की अधिकतम लंबाई कितनी आएगी, 24 सेमी। अब हमें वर्गाकार टाइल लगानी है तो हम क्या करेंगे, 24 को 24 से गुणा कर देंगे, यानी कि बरामदे में लगाई जाने वाली टाइलों की संख्या बराबर बरामदे का क्षेत्रफल बटे एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1872 × 1320। ये तो आ गया क्या, बरामदे का क्षेत्रफल, और एक वर्ग का टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा 24 × 24, क्योंकि भुजा कितनी है वर्ग टाइल की, 24। अब 24 से ये कट जाएगा कितनी बार, 78 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार, 55 बार। तो जब हम 55 को 78 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4290 टाइल। तो 4290 टाइल आएंगे। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अब हमारी एक्सरसाइज जो वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है वो पूरी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। तो आई होप कि गाइज आपके समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।